हेलो एवरीवन तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एट बुक्स एंड गोइंग टू बाय अ बुक गोइंग टू बाय बुक्स किताबों के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्स रीड एंड लर्न दिस पोम तो पहला पोम है बुक्स कम इन कम इन सदर लाइब्रेरी डोर लाइब्रेरी के दरवाजे ने बोला अंदर आओ अंदर आओ आई ओपन इट वाइड एंड सो बुक्स गलोर का मतलब जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो मैंने दरवाजे को खोला वाइट का मतलब होता है है एक वाइट का मतलब चौड़ा और यहाँ पे वाइट का मतलब है पूरा दरवाजा खोल देना मैंने दरवाजा खोला लोअर बहुत सारे बुक्स देखे मैंने टॉल बुक्स लंबी पतली बुक्स ऑन हाँ द शेल्फ्स जो शेल्फ्स हैं जहाँ पे जो ये इसको हम बोलते शेल्फ जहां किताबें रखी लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाई देस और कुछ छोटी मोटी किताबें जो खुद खड़ी थी आई ओपनड वन अप और मैंने एक को खुला एंड सेट डाउन टू लुक और मैं बैठ गया देखने के लिए द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज और जो पिक्चर्स थी वो कहानियां बता रही थी वॉट अ वंडरफुल बुक छोटा सा पोम वेरी इंटरेस्टिंग वन यहाँ तो पे बहुत सारे वर्ड्स है जब हमने भी डिस्कस किए लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स होती हैं वाइड का मतलब होता है पूरी तरह से खोलना और या फिर चौड़ा गलोर का मतलब होता है जो कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में स्किनी का मतलब पतला शेल्स का मतलब ये शेल्फ जहाँ पे हम सम, सामान रखते हैं वंडरफुल बहुत अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस पोम गोइंग टू बाई बुक किताब खरीदने जाना वन डे ग्रैंड फादर गे माई ब्रदर एंड मी सनी एक दिन मेरे ग्रैंड फादर ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए गोइंग बाई बुक्स ही सेट और उन्होंने बोला जाओ और किताब खरीदो वी व बहुत वेरी हैप्पी और हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे वी बोथ लव टू रीड और हम हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है शुड बी गो now क्या हमें अभी जाना चाहिए शुड बी गो later क्या हमें बाद में जाना चाहिए शुड we गो today क्या हमें आज जाना चाहिए शुड we गो टू मोरो क्या हमें कल जाना चाहिए we decided to go right now और हमने डिसाइड किया अभी जाने के लिए बुक so शॉप है यहाँ पे शुड वी गो टू द बिग मार्केट क्या हमें बड़े बाजार जाना चाहिए शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप क्या हमें छोटे दुकान जाना चाहिए शुड वी गो विथ किसी के साथ जाना चाहिए शुड यू गो लोन क्या हमें अकेले जाना चाहिए वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप जस्ट द टू ऑफर्स फिर हम डिसाइड के हम स्मॉल शॉप में जाएंगे छोटी दुकान में जाएंगे और जस्ट टू ऑफर्स सिर्फ हम दोनों वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप और हमें दो छोटी बुक शॉप बहुत ज़्यादा पसंद है इट इज़ स्मॉल बट इट हज मैनी बुक्स ये छोटी है पर यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं किताबें हैं द मैन इन द शॉप लाइक्स अस और जो आदमी दुकान में वो हमें पसंद करता है ही ऑलवेज हेल्प्स अस और वो हमारी हमेशा मदद करता है शुड आई बाई अ बुक विथ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स क्या मुझे बहुत सारी पिक्चर वाली किताबें खरीदनी चाहिए या फिर शुड आई बाई अ बुक विध लॉट ऑफ स्टोरीज या फिर मुझे बहुत सारी स्टोरीज वाली किताब खरीदनी चाहिए शुड आई बाई थिंग बुक क्या मुझे पतली किताब खरीदी चाहिए आई कुड नॉट डिसाइड में डिसाइड ही नहीं कर पाया वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय हमें नहीं पता था कि कौन सी किताबें खरीदी द मैन इन द शॉप स्माइल लेटर्स जो आदमी था दुकान में वो हमारी तरफ मुस्कुराया रिलैक्स कम विथ मी ही सेट उन्होंने बोला रिलैक्स मेरे साथ आओ दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स ये जो किताबें हैं ये जानवरों के बारे में हैं दोज आर अबाउट मशीन्स और जो वो हैं वो सब मशीन्स के बारे में हैं दोज ओवर जो आर अबाउट वॉर्स और जो वहाँ पर रखी हुई हैं वो लड़ाई युद्ध के बारे में हैं टेक अवर यू वॉन्ट लो जो भी तुम्हें चाहिए आई पिक सम बुक्स मैंने कुछ किताबें उठाई माई ब्रदर पिक सम बुक्स मेरे भाई ने भी कुछ किताबें उठाई आई सैट ऑन द फ्लोर और मैं जमीन पे फर्श पे बैठ गया ही सैट ऑन द चेयर और वो चेयर पे बैठ गया एंड बी रेड एंड रेड एंड रेड पढ़ते गए पढ़ते गए और पढ़ते गए इट वॉज वेरी क्वाइट बहुत ज़्यादा शांति थी वहाँ पे। देर वॉज नो साउंड वहाँ पे कोई साउंड भी नहीं था आवाज भी नहीं थी वन आवर पास टू आवर्स पास एक घंटा बीता दो घंटा बीता फाइनली न्यू विच बुक्स छुपाए और फाइनली हमें पता चला कि कौन सी किताबें खरीदनी है हमें द मैन इन द बुक्स ऑफ स्माइल जो आदमी था हमारी तरफ स्माइल किया उसने आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज और मैंने एक मोटी सी किताब उठाई जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी कहानियाँ थी माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स और मेरे भाई ने भी बड़ी सी किताब ली जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी रैन होम टू आर ग्रैंड फादर और हम जल्दी भागे घर पर अपने ग्रैंड फादर के पास वे क्लाइंट ऑन इज बेड हम उनके बेड पर चढ़ गए पुट हिपोट आर्म्स अराउंड अस एंड देन उन्होंने अपनी जो आर्म्स हैं हमारे ऊपर तो रखी वी रेड एंड रेड एंड रेड और हम पढ़ते गए पढ़ते गए और पढ़ते गए तो यहाँ पर इतने सारे न्यू वर्ड्स हैं अलोन अकेला बुक शॉप बुक की दुकान किताबों की दुकान मशीन यानि की मशीन फाइल यानी कि अंत में और क्लाइंट यानी कि चढ़े इसको लिखा है रुक्मणि बनर्जी ने सो दिस इज दिस आर दू फम्स अबाउट बुक्स और मैं मिलता हूँ आपसे एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेसन में मैं बाइब्रे बन